लोकसभा स्पीकर के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 12 बजे नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। सरकार की कोशिश है सर्वसम्मति से स्पीकर के चुनाव की। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का नाम सबसे आगे है। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद हैं। डिप्टी स्पीकर पद के लिए डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष हैं डी पुरंदेश्वरी। तो स्पीकर कौन होगा देखना होगा, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ओम बिरला ही स्पीकर बन सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, क्या एक बार फिर से सरकार ओम बिरला पर भरोसा जता रही है? जी सुमित, आज जो 12 बजे तक स्पीकर के नाम का फैसला होना है और 12 बजे तक ही नाम करना है, कल देर रात तक बैठकें चलती रहीं। बैठकें में पहले दिन से ही मोदी जी और पूरा एनडीए मान रहा है कि खासकर बीजेपी, क्योंकि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पीकर की पोस्ट किसके पास आएगी। तो बीजेपी पहले दिन से मान रही है कि स्पीकर की पोस्ट वही रखेगी। और जहां तक जिन नामों की चर्चा है, तो ऐसा लग रहा है कि ओम बिरला ही फिर से दोबारा लोकसभा के स्पीकर बन जाएंगे। मोदी जी से लेके जो राजनाथ सिंह और जो अमित शाह हैं, सबने कंसेंसस बना ली है कि ओम बिरला का नाम ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए सहमति बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। यदि ओम बिरला के नाम पे एनडीए के दूसरे घटक दल हैं टीडीपी और जेडीयू में सहमति नहीं बनती है, तो फिर डी पुरंदेश्वरी का नाम भी आगे ला सकते हैं, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं। डी पुरंदेश्वरी के नाम का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। खबर ऐसी थी कि टीडीपी डी पुरंदेश्वरी के नाम का समर्थन कर सकती है, क्योंकि पहले भी जब कभी गठबंधन की सरकार बनी है तो जो स्पीकर का पद होता है वो टीडीपी अपने पास रखना चाहती थी। जैसे कि लोकसभा के स्पीकर थे जी बालयोगी टीडीपी के ही सांसद थे, तो टीडीपी हर बार चाहती है कि उनकी पार्टी का व्यक्ति सांसद बने। तो इस बार भी टीडीपी ने की पहली शुरुआती मांग यही थी, मगर बीजेपी ने एक सहमति सी बना ली है कि जो स्पीकर होंगे वो ओम बिरला ही होंगे, बीजेपी के ही होंगे, और इसलिए सारे लोगों से सहमति बनाई जा रही है। मगर अब बड़ी बात यही है कि जो संघर्ष जिस बात पर है या तनाव जिस बात पर है, वो है कि यदि स्पीकर का पद सत्तारूढ़ पार्टी रखती है तो डिप्टी स्पीकर का पद अब तक जो परंपरा आ रही है कि विपक्ष को दिया जाता है, इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से आया हुआ, तो विपक्ष यही बार्गेन कर रहा है कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। यदि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया है तो जो एनडीए यानी कि जो विपक्ष है वो अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारेगा और इस बहाने फिर मतदान की स्थिति बन जाएगी। मतदान की स्थिति स्पीकर के लिए बहुत बेहतर नहीं होती, क्योंकि स्पीकर सर्वसम्मति से ही चुना जाए तो बेहतर। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मतदान की स्थिति बनना, और सत्र के दौरान हमने विपक्ष के तेवर भी देखे थे, नारेबाजी सदन के बाहर की, कल हाथों में संविधान की किताब थी, तो क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष ऐसा कदम उठा सकता है कि मतदान की नौबत आ जाए इसके लिए? अब यही जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सामने यही बड़ा संकट है कि यदि वो ओम बिरला के नाम पे अड़ते हैं या डिप्टी स्पीकर का पद यदि एनडीए को नहीं देते हैं, तो विपक्ष भी चूंकि इस बार बड़ी संख्या में आया हुआ है तो वो भी दो दो हाथ करने में पीछे नहीं होतेगा। अध्यक्ष के लिए भी वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा और डिप्टी स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी करेगा। हालांकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है, जिस बहाने वो अपने दोनों प्रत्याशियों को जिता सकता है। तो आज कल में एक नई इबारत लिखी जानी है कि देखा जा, यदि जो परिस्थितियां ठीक ठाक निकल जाती हैं तब तो लगता है कि सदन ठीक से चलेगा, मगर विपक्ष जिस तरीके से बड़े हौसलों के साथ इस बार सदन में आया है तो एकदम तनातनी होनी तय है। मगर अभी तक की जो खबर है उसमें ओम बिरला का नाम सबसे आगे है। ओम बिरला यदि नहीं होते हैं तो पुरंदेश्वरी और राधा मोहन सिंह के नाम है, मगर जो बीजेपी की जो कोर कमेटी है वो यही मान के चल रही है कि ओम बिरला इस मौके के लिए बहुत पर्याप्त होंगे। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद आपका।